गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? अभी ना दो टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं एग्जाम पास में, और दो टॉपिक दोनों ही टेक्निकल है। एक तो आया है हमारा मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज में ना स्टडी मैट में, सॉरी प्रैक्टिस मैनुअल में एक ही क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। और दूसरा डाउट बच्चों को जो आ रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा, वो है शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, जैसे कट ऑफ रेट, उसमें कुछ कट ऑफ रेट होता है और वो कुछ निकालना होता है। ठीक है, अब इसमें भी प्रॉब्लम तो ये होती है ना यार कि आप मूविंग एवरेज कैलकुलेशन ही चाहिए, पर सीए फाइनल में आपको तो ये समझना पड़ेगा कि यार मूविंग एवरेज निकाल क्यों रहे, आखिर क्या काम है। शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल में बहुत सारे फॉर्मूले, पर आखिर उद्देश्य क्या है ये हमको समझना है। ठीक है, तो अभी ना मैं आपको मूविंग एवरेज समझाऊंगा इस लेक्चर में, और अगला जो लेक्चर होगा, अगर जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपलोड करूंगा शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। तो अभी बात करते हैं मूविंग एवरेज की। मूविंग एवरेज दो टाइप के होते, एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सर, ये मूविंग एवरेज का काम क्या बेटे? ये सिक्योरिटी एनालिसिस में, सिक्योरिटी एनालिसिस में काम आता है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, कि हमको कब पता लगे कि यार हमको शेयर खरीद लेना चाहिए या हमको शेयर बेच देना चाहिए। काश हमें कुछ चार्ट देखकर, चाहे वो लाइन चार्ट हो, बार चार्ट हो, पॉइंट एंड फिगर चार्ट हो, या कैंडलस्टिक चार्ट हो, ये सब आपने पढ़ा हुआ, मैं ये मान रहा हूं, कि यार चार्ट देखकर पता लगा ले कि हमें सिग्नल मिल जाए कि कब खरीदना चाहिए। इसलिए हम एवरेज का यूज करते हैं। यहाँ कुछ प्राइस लिखा हुआ है, उससे मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि क्या क्या प्राइस लिखा हुआ है और फिर उसका यूज कैसे करूंगा। पहले जो बात होगी वो होगी सिंपल मूविंग एवरेज की, और उसके बाद जो बात होगी वो होगी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। तो यहां देखो बेटे, यहां मैंने कुछ डेट लिख रखा है, मार्च 23, 24, 25 इस तरह से, और यहां शेयर का प्राइस लिख रखा क्लोजिंग प्राइस कि 23 तारीख को 200 रुपए था, 24 तारीख को 100 के डिफरेंस में ले रखा है, 100 का डिफरेंस इसलिए ताकि हमें कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। ये 23 मार्च से 31 मार्च तक का प्राइस है, कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई मार्केट बंद नहीं। ठीक है, अब यहां पर आना, यहां से ये पिछला प्राइस है, अब मुझे यहां से बात करनी, मैं 1 अप्रैल से बात करूंगा सारी की बात। ठीक से सुनो, 1 अप्रैल को क्लोजिंग प्राइस 600 रुपए, 2 अप्रैल को 700, 3 अप्रैल को 500, 600, 900, 800, 1000, इस तरह से 100 के डिफरेंस में, मैंने समझाने के लिए यहां 100 के डिफरेंस में उस दिन के शेयर का प्राइस लिखा। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक तो बात समझ में। आपने 1 अप्रैल से 10 अप्रैल का प्राइस लिखा हुआ, यस, और 1 अप्रैल को शेयर का प्राइस कितना था? 600। तो ये मैंने चार्ट बना रखा है, ठीक से समझ, ये मैंने चार्ट, इधर डेज लिखा है, डेट, और इधर शेयर का प्राइस, और जो ब्लैक में दिख रहा है मैंने वैसे कहा जैसे ब्लैक में। 1 अप्रैल को शेयर का प्राइस कितना था? 600, तो मैंने यहाँ डॉट लगा दिया, फिर यहाँ 2 अप्रैल को 700 था तो यहाँ डॉट लगा दिया, 3 अप्रैल को 500 रुपए तो यहाँ डॉट लगा दिया, इस तरह से जो ब्लैक में दिख रहा है ना ये शेयर का क्लोजिंग प्राइस। ओके सर, ये जो ब्लू में दिख रहा है ये क्या चीज है? बेटे सुनना ध्यान से, यही मूविंग एवरेज है, और इसका काम कैसे कर रहा हूं सुनोगे बेटे ध्यान से। मैं यहां जो काम किया है, यहां मैंने निकाला है 5 डेज मूविंग एवरेज, 5 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। सर ये कैसे निकला 460? बेटे 460 इस तरह से निकला, पिछले 5 दिनों का प्राइस लिया मैंने 600 मिलाकर। सर 5 दिन मतलब 1 अप्रैल का ये 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 ये, मतलब 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 600, इन सब का एवरेज हमारा तो कितना आ गया 460। ठीक है, इसे कहा जाता है सिंपल मूविंग एवरेज। जैसे सर अगर हमको 2 अप्रैल का मूविंग एवरेज निकालना है तो 700, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो 400 प्लस 300 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 700 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया 500। ओके, अब एक बात बताऊं, ये 600 से 700 बढ़ा, पर ये 460 से सिर्फ 500 क्यों बढ़ा? उसकी वजह है क्योंकि मैं मूविंग एवरेज में पिछले वाले प्राइस का एवरेज करते हुए निकाल रहा हूं।
इस तरह से मैंने 5555 देख के मूविंग एवरेज, जैसे C700 है, तो C700 कैसे आया होगा, 1, 2, 3, 4 पिछले 5 दिन का प्राइस निकाला तो ये आ गया 700। इस तरह से मैंने 5 5 डेज का मूविंग एवरेज निकाला और इसको भी प्लॉट कर दिया। जैसे ये 460 है, तो 1 अप्रैल को ये ब्लू में मिलेगा आपको, ये 460 लिखा। ये काम क्यों करवा रहा हूँ ये 2 मिनट में समझ में आएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। 2 अप्रैल को ये लिखा, 2 अप्रैल को 500 था तो 500, तो ये ब्लू में ये 5 5 दिन का एवरेज निकाला। अब खास बात ये है कि सर जो डेली प्राइस है वो तो फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत, जी हाँ, लेकिन जो 5 दिन का मूविंग एवरेज आपने निकाला वो स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ रहेगा, क्योंकि बेटे आप एवरेज निकाल रहे हो ना, आप पिछले 5 दिन का, इस पर इफेक्ट सीधा 100 से बढ़ गया, लेकिन यहां जो 460 इस पे तो पूरा इफेक्ट आ रहा है इसी वजह से। सर ये क्या चीज है बेटे, और भी ज्यादा दिनों का, मैंने यहां 10 दिन का मूविंग एवरेज निकाल लिया, सिंपल मूविंग एवरेज। सर ये 370 कैसे निकला होगा, पिछले 10 दिन का मतलब 600, ये ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 600, मतलब इन सबको प्लस किया, प्लस 600 के डिवाइडेड बाय 10 किया, तो बेटे ये अब ये वाला 370 में ना इन सब का इफेक्ट आ गया होगा, इसलिए 370 आया। तो सर ये वाला जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है बेटे, ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ये और भी स्मूथ रहेगा, ठीक है। तो डेली प्राइस हो रहा फ्लक्चुएट, और ये वाला ब्लू वाला ये है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, ये भी फ्लक्चुएट हो रहा पर थोड़ा सा कम हो रहा है इसमें, और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज तो बहुत कम फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। यहां तक मैंने आपको बताया कि मैंने किस तरह से एवरेज निकाला। अब मैं ये बता रहा हूं कि एवरेज का करोगे क्या, ठीक है। अभी बात किसकी हो रही है, सिंपल मूविंग एवरेज, इसके बाद किसकी बात होगी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक से देखना। अभी मैं ये देख रहा हूं यार ये ट्रेंड क्या चल रहा है, बुलिश है कि बेरिश है। बेरिश का मतलब ये ग्राफ ऐसे जाता, बुलिश का मतलब ऐसे जा रहा है, मतलब क्या है, प्राइस बढ़ रहा, ठीक है यहां तक। और मैं ध्यान से देख रहा हूं कि यार बीच बीच में तो प्राइस कम भी तो हुआ, ये है प्राइस एक्चुअली, तो क्या कम हुआ, तो क्या जो ट्रेंड है ये रिवर्स हो गया, नहीं बेटे ये गिरा तो है प्राइस पर टेम्पररी गिरा। देखो यहां प्राइस था, यहां प्राइस था, यहां डाउन हो गया, पर डाउन हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आगे बढ़ेंगे, बुल ट्रेंड चल रहा है तो पक्का बढ़ेगा। सर ये आगे का हमें अब यहां देख रहा हूं हो क्या रहा है, यहां प्राइस था और फिर ये प्राइस धीरे से उसने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को काटा, यहां फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर ये यहां काटा और फिर बढ़ा। मैं सोच रहा हूं यार काश मैं एक काम करता, जैसे ये डाउन हुआ, कम हुआ प्राइस, तो यहां मैं शेयर खरीद लेता। देखो एक बार यहां कटा हुआ है, दिख रहा है आपको ये वाला डॉट, यहां काट, फिर एक बार यहां काट, फिर एक बार यहां कट। तो सर जहां जहां ये कम हुआ है, जैसे यहां जैसे कट हुआ तो यहां मैं खरीद लेता, और जैसे प्राइस बढ़ता तो मैं बेच देता, बिल्कुल सही। सर फिर जैसे यहां कटा तो मैंने यहां खरीद लिया होता और फिर प्राइस बढ़ा तो बेच दिया, मतलब जितने बार ये जो है शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को काटेगा, ये काटेगा ये वाला प्राइस, जैसे ये इससे कटेगा नीचे जाएगा तो मैं खरीद लूंगा और यहां कहीं बेच दूंगा, फिर कटता तो फिर खरीद लेता, फिर मैं बेच लेता। पर अब ये तो बीत चुका है, एग्जैक्टली ये तो जा चुका है। सर अब मैं यहां रुका हूं, और आज की डेट कौन सी, आज की 10 अप्रैल है, और ये दिख रहा प्राइस, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब मैं देख रहा हूं अगला प्राइस क्या हो सकता, समझना क्या, सपोज यहां फोकस करना, 11 तारीख को शेयर का प्राइस 750 हो गया, तो ये कितना था, 10 तारीख को कितना था 900, और 900 से कितना हो गया 750, कौन सी डेट में, 11 तारीख को, तो ये लाइन ऐसे हो गई। तो सर 11 तारीख को 5 डेज सिंपल मूविंग एवरेज कैसे निकालोगे, हाँ ये मैं आपको सिखा दूंगा, ये कैसे, पिछले 5 दिनों का 750 को, 1 2 3 4 5 मतलब 1000 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 900 प्लस 750 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 870। तो इसका मतलब ये जो प्राइस था पहले 880 था, तो यहां थोड़ा सा आ गया, यहां ऐसे आया होगा 870,
और सर ये वाला कैसे निकालोगे बेटे, ये तो 10 days है, मतलब मुझे कहाँ से काउंट करना पड़ेगा यहाँ से? तो 700 + 500 + 600 + 900 + 800 + 1000 + 900 + 800 + 900 + 750 / 10। तो ये 750 780 के आसपास से पहले कितना था? 770। और मान लो ये आ गया 780, ये कौन सा? ये 10 days वाला है। और ये आ गया यहाँ, यहाँ आ गया मान लो 780। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आती है क्या? इस बार फिर कट हो गया? यस कट हो गया, शेयर का प्राइस ये हो गया। सर अब क्या करेंगे? अब बताओ बेटे मुझे क्या करना चाहिए? फिर से काटा गया, अब मुझे आगे क्या होने वाला है? सर आगे क्या हो सकता है? ये कट गया तो अब फिर बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे ही हुआ, पहले कटा फिर बढ़ा, फिर कटा फिर बढ़ा, बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? मुझे सिग्नल मिल गया। किस चीज का सिग्नल मिल गया? कि मुझे क्या कर लेना चाहिए, बाय। फिर ये मान लो ये शेयर का प्राइस फिर बढ़ेगा, ये बढ़ा तो फिर क्या होगा? ये मूविंग एवरेज से फिर यहां क्या कर देना चाहिए मुझे? सेल, मतलब सस्ते में खरीदता महंगे में बेचता, क्योंकि यहां भी तो वही हुआ। तो इस तरह से हम काम, हमें सिग्नल मिल जाता है, जैसे ही ये शेयर का प्राइस कट के नीचे आता है तो हम क्या कर लेते हैं? हम खरीद लेते, जैसे ही ऊपर जाता हम बेच देते, ये वाला हमारा काम है। पर एक दिक्कत है बस, और समझना, मूविंग एवरेज का यूज किस लिए होता है? सिग्नल मिल जाता है खरीदना है कि बेचना। अब बिट्टे अब सुनोगे ध्यान से, सुनना ध्यान से, ये मन से लिखा, क्या शेयर का प्राइस नीचे गया? यस। अब शेयर का प्राइस नीचे गया, सपोज ये मेरा मूविंग एवरेज, अब हो क्या रहा है? अब हुआ क्या, फिर से शेयर का प्राइस यहां नीचे गया, इस तरह से नीचे जा रहा। अब नीचे जाएगा तो सर होगा क्या बेटे? ये वाला भी डाउन। सर यहां क्या करना चाहिए? तो कट गया, ये जैसे ही कटा तो यहां क्या कर लिया हमने? बाय, क्योंकि आगे जाने वाला। लेकिन बेटे समस्या सुनोगे ध्यान से, धीरे 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 शेयर का प्राइस नीचे जाते जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाते जाएगा तो ये भी डाउन होते जाएगा, ये भी डाउन होते जाएगा। और एक यहां से सुनोगे ध्यान से, जैसे ये डाउन होते जाएगा तो ये भी तो घूमेगा, यस, पर ये उतनी स्पीड से, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, ये धीरे से घूमेगा। अब की बार तो शेयर के प्राइस ने यहां भी काट दिया, मतलब शेयर का प्राइस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को तो काटा काटा, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को भी काट दिया। सर क्या करें अब? यहां तो दिक्कत की बात है, यहां कटता था तो हम खरीद लेते थे, फिर हम सोचते थे कि ऊपर जाएगा, पर मान लो नीचे चला गया तो बेटे फिर यहां दिक्कत, फिर आपको यहां बेचना पड़ेगा। पर अभी भी कंफर्म नहीं है, हो सकता आगे बढ़ जाए, समझना नहीं सर। लेकिन ये तो रिस्की है, रिस्की नहीं है, सोचो अगर आप बोल रहे हो कि सर एक बार घुमा, पर ना जाने कितने बार ये सिचुएशन आई होगी, तो ना जाने कितने बार आपने प्रॉफिट कमाया होगा। अगर इतने बार प्रॉफिट कमाया है तो एक बार अगर लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये चार्ट करीब करीब आपके 2-3 माह का चार्ट बना लो तो पता नहीं कितने बार अप डाउन होता होगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी शेयर का जो प्राइस है उसने शॉर्ट टर्म को काटा तो हमने खरीद लिया, अब लॉन्ग टर्म को भी काट दिया। लॉन्ग टर्म को जैसे ही काटा तो मतलब हमको सिग्नल मिल रहा है कि भाई मार्केट ट्रेंड बदल रहा, ट्रेंड डाउन हो सकता, पर कंफर्म नहीं, लग जरूर रहा पर कंफर्म नहीं है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं और देख लेते। फिर शेयर का प्राइस गिरते गया और जैसे ही शेयर का प्राइस गिरा तो एक समय ये आ जाएगा कि ये है मेरा लॉन्ग टर्म और जो शॉर्ट टर्म है वो शॉर्ट टर्म इस लॉन्ग टर्म को भी काट देगा, ठीक है बेटे। ये है यहां, अगर मेरा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म को काट दिया, इसका मतलब अब मुझे कंफर्म बेच देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है, जब जैसे ही काटेगा तो मेरा शेयर का प्राइस तो यहां आ चुका होगा, यहां मतलब मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। मुझे मिल तो गया सिग्नल कि बेचो भाई, अब तो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, लेकिन शेयर का प्राइस तो यहां आ चुका है। इट मींस मूविंग एवरेज में यही दिक्कत है कि सिग्नल मिलता तो है यहां, पर लेट सिग्नल मिलता जब तक आप बर्बाद हो चुके होते हो, ठीक है। लेकिन सोचकर देखो, एक बार ऐसा हुआ लेकिन प्रॉफिट आपने कई बार कमाया,
ठीक है, तो ये मैंने इंटरप्रिटेशन समझाया कि मूविंग एवरेज कब क्या यूज होता है, लेकिन एक बात है अभी क्या एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल मूविंग एवरेज निकाल कर बताइए। तो सिंपल मूविंग एवरेज निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो कहेगा 5 डेज मूविंग एवरेज निकालिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसको जोड़ोगे ये 870 निकल जाएगा। अब मैं आपको समझाऊंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन लिख लूंगा और उसको स्पीड से समझा दूंगा। सुनो, कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक है। फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल रहे हो, इसका कोई वैल्यू नहीं है, वो लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। ओके, हाँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 59। उसका जहां सॉल्यूशन लिखा हूं और कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि क्या है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इधर फोकस करोगे बेटे, होता क्या एवरेज, क्या होता है एवरेज? सर, एवरेज होता है कि हमको ना अनुमान लगाना होता है कि जो पहले हुआ होगा लगभग उसी का, जैसे 4 साल का प्रॉफिट है, फ्यूचर का प्रॉफिट कैसे लगाओगे? जो पहले हुआ है वही आगे भी होगा। तो पहले का हम क्या करें, कौन से दिन कर लेते, हम एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने 5 दिन या 10 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज निकाला, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 5 दिन पिछले 5 तारीख से ऊपर का सिंपल मूविंग एवरेज निकाला और ये आया 25,000 रुपए। ओके सर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो छठवां दिन है, छठवें दिन, 5 अप्रैल हो गया ना, 6 अप्रैल को प्राइस 25,000 होगा, हमारा ये सोचना है। क्योंकि जो 5 तारीख का एवरेज निकाला है, इसका मतलब आने वाले दिन में इतना प्रॉफिट होगा या इतना प्राइस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट नहीं, प्राइस बोलूंगा, कि जो 5 दिन का प्राइस है वो इतना हो। कौन से दिन का प्राइस निकाला है आपने? 5 दिन का एवरेज मारा है, तो छठवें दिन का प्राइस अनुमान है कि कितना हो जाएगा, 25,000। पर बेटे एक्चुअल में हो गया, एक्चुअल में, एक्चुअल प्राइस छठवें दिन का हो गया 26,000 रुपए। सर, तो हमारा अनुमान गलत हो गया। यस, एरर। कितने रुपए का गड़बड़ दिख रहा है? सर, 1,000 रुपए गड़बड़ थी। तो हम जब निकालेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो हम ये कहेंगे कि 25,000 तो रहेगा रहेगा, ये तो पिछला पिछला मूविंग एवरेज है, पिछला, प्लस एरर कितने का दिख रहा है? सर, 1,000 रुपए का एरर है, 1,000 रुपए दिख रहा है, क्योंकि आपने क्या अनुमान लगाया था कि 25 होगा, पर हुआ कितना, 26। तो छठवें दिन का मैं निकालने जा रहा हूं, तो छठवें दिन का होगा 25,000 प्लस एरर कितने का है, 1,000, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी फैक्टर से। सर, फैक्टर कैसे? फैक्टर मैं बता दूंगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, पर फिर भी मैं बता दूंगा कि कैसे निकालोगे। सपोज एक फैक्टर ले लिया, और फैक्टर ले लिया 0.5, तो इसका मतलब छठवें दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आएगा पिछला जो था वो, प्लस एरर, और पूरा एरर नहीं लेना, उसमें किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये आ जाएगा 25,500। कि हम ये अनुमान लगा रहे हैं, छठवें दिन हमने निकाला 25,500, ये मान के कि 7 तारीख को प्राइस कितना हो जाएगा, 25,500। पर 7 तारीख को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या एक्चुअल प्राइस बात करता हूं, 7 तारीख को एक्चुअल प्राइस हो गया 27,000। ओहो, फिर गड़बड़। सर, क्या सोचा था कि 7 तारीख को प्राइस क्या होगा, 25,500, पर 7 तारीख को एक्चुअल प्राइस कितना होगा, 27,000, फिर गड़बड़ है। तो फिर 7 तारीख के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होगा, हमने क्या सोचा था, 25,500 हुआ कितना, 27,000, मतलब कितने का एरर है, तो 25,500 तो ये रहेगा रहेगा, 27,000 माइनस 25,500, इतने रुपए का एरर, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना, फैक्टर से, 0.5। ठीक, इसका मतलब हम पहले सिंपल मूविंग एवरेज, ये तो दिया होगा क्वेश्चन में, एक मूविंग एवरेज उठाएंगे और ये सोचेंगे कि वो अगले दिन का प्राइस है, पर अगले दिन का प्राइस कुछ और आया, तो फिर आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट कर एरर टर्म में कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप अनुमान सही लगा लीजिए। सर,
ये फैक्टर कैसे निकलता है, पक्का बेटे मैं क्वेश्चन के बाद वही समझाने वाला हूँ कि फैक्टर कैसे निकलता है सारी बातें, पर वो एक क्वेश्चन करवा लेता हूँ, उस क्वेश्चन से हम बात करेंगे कि हम क्या करने वाले। और वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 59। सर तो फॉर्मूला क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ जैसे मुझे इस दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना है, तो पिछला मूविंग एवरेज प्लस एरर कितनी गलती हुई और इनटू कोई फैक्टर। ठीक है सर। अब एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 59 है, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ बीएससी सेंसेक्स फ्रॉम 6th to 17th डे ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। डेट दे रखा 6-7 वगैरह, डेट दे रखा, सेंसेक्स का वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना है और 30 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। अच्छा 30 डेज सिंपल मूविंग एवरेज कितना रुपए दे रखा है? पिछला 30 दिनों का एवरेज दे रखा है 15,000। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर 30 डेज ईएमए, और एक फैक्टर दे रखा है और एक्सपोनेंट कितना दे रखा है? 0.062। अब सोचते हैं हम लोगों को क्या करना। सर ये 15,000 क्या बता रहा? 15,000 बता रहा है पिछले 30 दिनों का एवरेज, इसका मतलब वो बता रहा है कि आगे जो प्राइस होगा वो 15,000 होगा। सर 15,000 कब? आने वाली डेट में, वो डेट 6 भी हो सकती है, अगर कुछ गलती होगी तो फिर वो गलती को ठीक करेंगे। तो अब हमको निकालना 6 तारीख का मूविंग एवरेज। ओके, अब हमने क्या सोचा था 5 तारीख से पहले कि यार शेयर का प्राइस, सेंसेक्स का प्राइस 15,000 होगा। अब देखते क्या हुआ सेंसेक्स का प्राइस। ओहो ये तो गड़बड़ हो गया 14522, जबकि हो कितना था? 15,000। बोलो एरर हो गया, आपने सोचा था आने वाले डेट में 15,000 प्राइस होगा पर कम हो गया, तो कितने का एरर आया चेक कर लेते। 15,000 सोचा था प्रीवियस डे, सोचा क्या था 15,000, आया क्या 145, तो एरर हो गया 15,000 माइनस 14522। सर एरर कितने का है? एरर है 478 और एडजस्टमेंट फैक्टर दिया है 0.062 इनटू 0.062, तो हमें एरर ये माइनस में आया है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस डे ईएमए था उसमें से ये माइनस कर देंगे ताकि हम अपने प्रीवियस ईएमए को एडजस्ट कर सके जो एरर हुआ है उससे। तो मैंने क्या किया, 15,000 में से माइनस कर दिया ये 29.636, तो बेटे ये आ गया ईएमए। फिर से समझ आ रहा हूं, ध्यान से समझना। सोचा क्या था छठवें दिन प्राइस क्या होगा? 15,000, पर हुआ क्या इतना? तो ये जो डिफरेंस आया, ये इसको यहां लिखा मैंने, ये जो डिफरेंस आया इसको कहा जाता है एरर, और उसको मैंने एडजस्ट किससे किया, उसको मैंने फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर देखा जाए तो फॉर्मूला ऐसे हुआ, करंट ईएमए निकालना है आपको तो प्रीवियस ईएमए प्रीवियस प्लस एरर इनटू अल्फा, अल्फा या एडजस्टमेंट फैक्टर बोलूंगा, एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है, अगर देखो प्रीवियस ईएमए कितना है 15,000, एरर कितना है 15,000 सोचा था इतना है, तो एरर कितना आ गया 478 और फैक्टर कितना लेना आपको 0.062, तो फिर ये आपका आ गया आंसर। मतलब हम लोग क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल में जो गलती हुई ना उसको ठीक करते जाते, एवरेज में गलती होती है और ये ना क्लोजिंग जो प्राइस होता है ना उसके ज्यादा करीब होता है। अब समझना सर, इसका मतलब है कि अगले दिन ये प्राइस आएगा, बिल्कुल सही, और सर ये नहीं आया तो फिर हम करेक्शन करेंगे। चलो हमने ये निकाला, कौन से दिन का मूविंग एवरेज निकाला, छठवें दिन का, कि ये होगा। अब देखते हैं कि क्या हो गया सातवें दिन प्राइस, सर ये हो गया, फिर एरर आ गया, आपने सोचा था 14970 आएगा पर आया ये, फिर गलती हो गई, फिर गड़बड़ हुआ, फिर हमने एरर निकाला कि यार ये तो कम आ गया, हमने ये सोचा था ये प्राइस हो गया, तो जो कम हुआ उसको मल्टीप्लाई किया एडजस्टमेंट फैक्टर से, ये आ गया। और फिर सर इसको क्या किया आपने बेटे, फिर मैंने जो प्रीवियस ईएमए था इसको एडजस्ट करके ये निकाल लिया एरर।
ठीक है सर, ये जो निकाल रहे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगले दिन सेंसेक्स का ये प्राइस होगा, और सर ये नहीं हुआ तो फिर वही प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। अगर ये नहीं हुआ, कितना बढ़ा? 15,222 हो गया। तो यार 15,222 हो गया, जबकि हमने सोचा था कितना, 14,967.55। तो कितने का एरर है? ये तो ज्यादा आ गया, इतना ज्यादा। पर ये पूरा की पूरा एडजस्ट नहीं करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.062 से। तो इतना हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रीवियस ईएमए में इतना जोड़ दोगे तो न्यू ईएमए आ जाएगा, ठीक है, इस साल का। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। खास बात देखो, क्या ये एवरेज हर साल बढ़ रहा है? हाँ, हर साल हर दिन बढ़ रहा है धीरे। पहले इतना था एवरेज, फिर इतना, मतलब जो लाइन जाने वाली है वो तो ऐसे जाने वाली, बुलिस। अगर ये बुलिस है तो क्या करना चाहिए? सर हमको तो लॉन्ग पोजिशन लेना चाहिए, हमें परचेस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कुछ स्पेशल है नहीं है? हाँ, ये फैक्टर क्या है सुनना है। पहली बात तो ये फैक्टर दिया रहेगा क्वेश्चन में, और अगर ना दिया हो तो इस फैक्टर को निकालने का फॉर्मूला है 2/n। n का मतलब नंबर ऑफ डेज, ठीक है। 2 भी हो सकता, 2.5 भी हो सकता, ऐसा कोई फिक्स नहीं। हमारी बुक में 2 लिखा, तो 2 के हिसाब से। अब सोच के बताना सर, नंबर ऑफ डेज अगर 10 है तो एडजस्टमेंट फैक्टर आएगा 2/10.5.2। मैंने कहा हाँ सर, अगर ये 100 होता तो एडजस्टमेंट फैक्टर आता 0.02। बिल्कुल सही। अब सर इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ा? फर्क पड़ता है अगर इसकी बात करो तो, इसकी बात करोगे तो ये लगभग किसके जैसा आएगा? शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। और ये ज्यादा दिन है ना, तो इसका लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। बेटे बिल्कुल सोच कर देखो, आराम से बात समझ में आएगी। एन से क्यों डिवाइड करें ये समझा रहा हूं। अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो हर बार एडजस्टमेंट फैक्टर यहां जो मल्टीप्लाई होगा, यहां ये जो भी डिफरेंस आएगा क्या आएगा? 0.2। तो हर बार जो वैल्यू आएगी ना वो ज्यादा फ्लक्चुएट होगी। आप खुद सोचो ना यार, 20% 0.2 से जो भी एरर है उसमें 20% का एडजस्ट कर रहा है, तो फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कम ज्यादा होगा, ठीक है। वो जैसे जैसे सेंसेक्स कम ज्यादा होगा उतनी ही स्पीड से स्मूथ नहीं आएगा। लेकिन अगर सोचो लॉन्ग टर्म है, इट मीन्स जो भी एरर है उसमें ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, सिर्फ 0.02 का कर रहा है। तो ये जो है, ये मेरे ख्याल से ये ज्यादा स्मूथ आएगा। और हमने पिछला मूविंग एवरेज में पढ़ा कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज पहला सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन क्या होगा? प्राइस। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज फ्लक्चुएशन होगा, हालांकि थोड़ा स्मूथ रहेगा पर उसमें भी फ्लक्चुएशन, और लॉन्ग टर्म बिल्कुल स्मूथ जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैंने आपको बता दिया। कैलकुलेशन क्या? बस हमारे यहां यही प्रॉब्लम है, बस कैलकुलेशन करना। कैलकुलेशन क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूं, याद रखना। 2/n लिखा, n से होता क्या, हमें पता लगता है, हमें निकालना होता कि हमको शॉर्ट टर्म निकालना कि लॉन्ग टर्म निकालना। अच्छा, ये 2 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जो वैल्यू निकाला गया है ना, ये 2 के हिसाब से नहीं निकाला गया, ये दिया हुआ क्वेश्चन है, आप इसका टेंशन मत लेना, ठीक है। अगला जो क्लास रहेगी, अगला जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा वो करूंगा शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल। ओके, थैंक यू बेटे।